रुपेश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात करें डिजिटल मनमानी की, जो ट्विटर कर रहा है, क्योंकि आज आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का जो ट्विटर अकाउंट था उसे एक घंटे के लिए कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में ब्लॉक कर दिया गया। यानी सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने नए आईटी एक्ट मानने से इनकार कर दिया था। हमारे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का अभाव है ट्विटर में, और वो मनमाने फैसले करता है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं, मेरे साथ गुरुप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अवनीश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पवन दुग्गल भी जुड़े हुए हैं अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी से। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शक डॉक्टर संजय स्वामी के पास दिल्ली जाऊंगा। डॉक्टर संजय स्वामी, क्या मानते हैं ट्विटर के इस रवैये पर? जी दीपक जी, एक अच्छी बात यह है कि आप माननीयों के साथ साथ आम जनता को भी आमंत्रित करते हैं। निश्चित रूप से ये भारत की प्रभुता पर चोट है। ट्विटर एक व्यापारिक कंपनी है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचाए। इसके लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारी चीजों को देखता है। परंतु इस प्रकार से ट्विटर की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करते हुए इसको बंद करना चाहिए, और जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है जैसे कुछ जैसे प्लेटफॉर्म है उनके इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। इस प्रकार की बहस में हर एक राजनीतिक दल के अपने अपने एजेंडे होते हैं, उनको अपनी बात कहनी पड़ती है, परंतु देश की जनता ऐसे सभी को जवाब देना जानती है। देश के लोग निश्चित रूप से ऐसे ट्विटर जैसे चैनलों का बहिष्कार करेंगे, और धीरे धीरे ट्विटर को अपना बोरिया बिस्तर यहां से समेटना पड़ेगा। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से उखड़ गई थी, इस प्रकार से ट्विटर को उखाड़ने में बहुत दिन नहीं लगेंगे। तो भारत के लोग बहुत जागरूक है, समझदार है। संविधान की धारा 19A के अंतर्गत हमको संप्रभुता का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। ट्विटर का उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। सीधे मैं चलता हूं यहां से गुरुप्रकाश जी के पास, उसके बाद आशुतोष के पास। गुरुप्रकाश जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगा कि आप रोंदू पार्टी हैं, ट्विटर के नाम पर रो रहे हैं आप। नहीं, देखिए दीपक जी, वाइस प्रेसिडेंट किसी पार्टी के नहीं होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अपने मित्रों का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट का ब्लू टिक हटाया जाता है इस आधार पे कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ 2009 से 3 लाख अकाउंट एक्टिव नहीं थे। आज जो मेरे मित्र ट्विटर के प्रवक्ता बने हुए हैं उनको समझना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का अपमान इस देश के हर एक नागरिक का अपमान है। वाइस प्रेसिडेंट का अपमान इस देश के संविधान का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्विटर के प्रवक्ता बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं मैं कि ट्विटर ने अब तक अपनी कंपनी की कोई सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी तक नहीं बनाई है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि वो रूल्स रेगुलेशन के अंदर आए, हम चाहते हैं कि वो लोगों को सशक्त करे, उसमें आपत्ति क्या है? और ये वही ट्विटर है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करता था। नहीं चाहता हूं, अचानक चाहत क्यों जग गई? गठबंधन करते थे, अचानक चाहत इसलिए जग गई क्योंकि आपका बस नहीं चल रहा है। ट्विटर यहां सोशल मीडिया पे अपोजिशन के लोग भी और आम जनता भी जुड़ गई है, इसलिए आप परेशान है। पहले आम जनता सोशल मीडिया पे कम थी और आपने प्रोपेगंडा फैला लिया था। आप एक्सपोज होते रहते हैं, बीजेपी एक्सपोज होती रहती है सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छे तरीके से आपने आज अपनी बात बोली, क्यों अपने तर्क को कमजोर कर रहे हैं? बोलने दीजिए उनको। दीपक जी, नहीं, ये इनकी आदत है, ये लोग आदत से मजबूर है। मुझे लगता है कि ट्विटर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए और इन दोनों को टिकट दे देना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी से निभा सकते हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टी बना के इन दोनों लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया ने आपको एक्सपोज किया है, क्योंकि आपने 7 साल पहले तक, ट्विटर को, मैं कह रहा हूं कोविड के पहले तक तो आपको ट्विटर अच्छा लग रहा था, सोशल मीडिया बहुत अच्छी लग रही थी, और कोविड के बाद अचानक आपको खराब लगने लगा क्योंकि कोविड की महामारी में आप एक्सपोज हुए हो, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। आशुतोष, पवन दुग्गल ने कहा कि ट्विटर के अंदर ट्रांसपेरेंसी का पूरा अभाव है, उत्तरदायित्व से काम नहीं करता, आर्बिट्रेरी डिसीजंस लेता है। ऐसे में क्यों ना सरकार इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये बातें तो दिखाई देती है ना कि ट्विटर ऐसा करता है। दीपक जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन मैंने एक सवाल पवन दुग्गल जी से पिछले डिबेट भी किया था, उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट अगर होता है तो किस तरीके से कार्रवाई होती है। दूसरा जवाब इसमें यह है कि क्या अकेले ट्विटर ट्रांसपेरेंट? उन्होंने कहा कि नोटिस दिया जाना चाहिए था पहले, उन्होंने कहा किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाना था। ये गलत है, नए आईटी रूल्स के मुताबिक
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नोटिस नहीं दिया जाता है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप उसमें साइन करते हैं, उसके बाद आप उसके मेंबर बनते हैं और फिर आप मान के चलते हैं। तो ये खैर मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं दो बातें करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपकी डिबेट में आपातकाल का बड़ा जिक्र हुआ, पहले था ना, लेकिन अब नए आईटी रूल 2021 में ऐसा है। दीपक मैं जो नए रूल्स बनाते हैं वो कहते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा, ये कुतर्क है। अगर मान भी लीजिए कि अगर मान चलिए मान लिया मैं आपकी बात मान लिया, तो भारत सरकार पहले देश के उपराष्ट्रपति का अपमान करती है ट्विटर, फिर देश के कानून मंत्री का अपमान करती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे हुए सारे लोग इसी वक्त विरोध में ट्विटर को छोड़ दें। अगर आप छोड़ेंगे तो तुरंत ट्विटर को संदेश मिल जाएगा और ट्विटर को ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई बड़ा गलत हो रहा। तो मैं कहता हूं कि जो आपका अपमान कर रहा है उसी के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप करें, देखिए मेरे साथ कितना अपमान हो गया। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आरएसएस के प्रवक्ता ये बार बार आपातकाल की बात कर रहे थे, आपातकाल। मेरे पास 13 जून 2000 का सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने हिंदू में एक लेख लिखा था। उन्होंने कहा था मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द बीजेपी एंड आरएसएस बेटरेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द इमरजेंसी। आरएसएस चीफ बाला साहब देवरस रोट सेवरल अपॉलोजी लेटर्स टू इंदिरा गांधी फ्रॉम इनसाइड द अरवडा जेल। ये आपातकाल के दौरान बाला साहब देवरा जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने यरवदा जेल से इंदिरा गांधी को माफी की चिट्ठी लिखी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के सदस्य हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इमरजेंसी खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसके साथ विश्वासघात किया है। अब यही लोग प्लेटफॉर्म पे आके कहते देखिए इमरजेंसी हमारे साथ कितना बुरा हो गया और हम उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे। आप कहां थे जब, और ये ना कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भगा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ करिएगा आरएसएस ने नहीं भगाया, भारत की जनता ने भगाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी उसको लीड कर रही थी। आरएसएस का एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ सिवाय हेडगेवार साहब के 1930 और 31 में, और वो भी उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस के प्रमुख को छोड़कर मैं जा रहा हूं, और हेडगेवार साहब मूलतः कांग्रेस ही थे। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंद करो ट्विटर को यार, बंद करो ट्विटर को। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या भारत को 250 साल आप गुलामी में रखने के बाद फिर आप बंद करोगे क्या उसको, फिर महात्मा गांधी को जाना पड़ेगा देश आजाद कराने के लिए? तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कम से कम कि रविशंकर प्रसाद समेत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी इसी वक्त ट्विटर पे अपने आप को डीएक्टिवेट करें और जाए। बिल्कुल सही, नहीं करेंगे साथ। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब अमिजेश से लूंगा, क्लोजिंग कमेंट गुरु प्रकाश जी से। अमिजेश जी मुझे बताइए, क्या आरएसएस ने बिट्रे किया था आपातकाल में, बाला साहब देवव्रत ने चिट्ठी लिखी थी? मैं यही कह रहा हूं कि तो फिर मैं गुरु प्रकाश से बोलूंगा कि ट्विटर का अकाउंट छोड़ दीजिए, देखिए सुनते हैं क्या बोलते हैं। वैसे छोड़ देना चाहिए जिस देश सुब्रमण्यम स्वामी का। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी के समस्त सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। उन्होंने एसएफआई के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में, अबुल कलाम को ने सोनिया गांधी को शपथ क्यों नहीं दिलाई उस लेटर के बारे में, आइए ना सब लेके आइए बहस करेंगे। आप मानिए सारी सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को, आप मानिए ना, क्यों सिलेक्टिव, यही तो है आप टुकड़े टुकड़े गैंग कि मैं बोलूं तो अभिव्यक्ति, मेरे बोलने पर कोई कहे तो अभिव्यक्ति की आजादी छिन गई तो मैं नहीं बोलने दूंगा क्योंकि तुम गलत बोलते हो। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना एसएफआई वाला, एसएफआई के बारे में अगर स्वामी जी के मैं वचन आपके सामने बोल दूं तो शायद पता नहीं आप किस स्तर तक उतर आएंगे, एक बात। दूसरे बात, ये बिल्कुल जेल के दस्तावेजों से तय है, लाखों स्वयंसेवक। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था उस समय, 10th स्टैंडर्ड में, मेरा क्लास फेलो बाकायदा सत्याग्रह करके जेल गया था, मेरे साथ बैठता था, उसके बाद 19 महीने जेल में रहा वो मीसा। हाँ, कोई कहीं नहीं रहा आपके आरएसएस के बारे में, आप इसको झूठ बोलते हो। एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव भी गए थे जेल में। वैसे विवेक श्रीवास्तव की मैंने अभी आपके ट्विटर का अकाउंट देखा, आपने वेरीफाई नहीं करवाया है, ब्लू टिक मांग लीजिए, आज की डिबेट के बाद मिल जाएगा आपको। या तो ये करें, या तो कहें कि माफी मांगी थी, या फिर कहें कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे थे जो पकड़े गए थे।
एक मिनट के लिए रुकूंगा, मुझे क्लोजिंग कमेंट पे जाना पड़ेगा, अफसोस मेरे पास वक्त कम है। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं राणा मुनि प्रताप हाथरस से। राणा जी क्या कहेंगे, ट्विटर क्या मनमानी कर रहा है बताइए। जी नमस्कार दीपक जी, देखिए तानाशाही चाहे ट्विटर कर ले, नमस्कार, आपातकाल के समय में जिसने भी तानाशाही की थी खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था, और आने वाले समय में भी चाहे ट्विटर तानाशाही कर ले या कोई भी कर ले उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, मेरा तो ये मानना है कि सभी को बैन कर दो। इंडिया के पास बहुत तकनीक है, आप मदद तो कीजिए, तकनीकी सुविधाएं तो बढ़ाइए। मैं तो कहता हूँ यहाँ के सोशल मीडिया बनने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए, ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सब इंडिया में होने चाहिए। तानाशाही जो भी करेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी ट्विटर मैं सीधे गुरु प्रकाश के पास चलता हूँ और कंक्लूडिंग कमेंट उन्हीं से लूंगा, क्योंकि आशुतोष ने बड़ा तगड़ा हमला उन पर बोला, उन्होंने चुनौती दी आपको। गुरु प्रकाश जी कम से कम आशुतोष की चुनौती को स्वीकार करते हुए आप ही अपना ट्विटर का अकाउंट आज विड्रॉ कर लीजिए। पहले अनुराग भदौरिया वेरीफाइड अकाउंट, मैं तो नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी विरोध में पूरी भारतीय जनता पार्टी आज कहने दीजिए, प्लीज कहने दीजिए, कंक्लूडिंग बात कहने दीजिए। अरे आशुतोष की चुनौती स्वीकार करने दीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, आप बीच में बहुत टपकते हैं, इतनी अच्छी बात कभी कभी बोल जाते हैं। गुरु प्रकाश जी बोलिए, सिर्फ गुरु प्रकाश जी की आवाज प्लीज, अनुराग जी प्लीज, मेरे पास कंक्लूडिंग कमेंट का टाइम है, सिर्फ 30 सेकंड बचे। इतिहास की जानकारी नहीं है इन लोगों को, इतिहास की जानकारी नहीं है। श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस निकला 3 दिन पहले, दीनदयाल उपाध्याय ने बलिदान दिया था देश के लिए, इनको नहीं याद होगा। देखिए दीपक जी बात इतनी सी है, ट्विटर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी चाहिए, अनुराग भदौरिया जी को, विवेक श्रीवास्तव जी को टिकट देकर के लोकसभा भेजना चाहिए। अब यही स्थिति आ गई इन लोगों को। अरे आप छोड़ेंगे अकाउंट, आशुतोष पूछ रहे हैं आपसे। नहीं हम तो इंगेज करेंगे, हम तो इंगेज करेंगे, हमने फारूक अब्दुल्ला से इंगेज किया, हमने महबूबा मुफ्ती से इंगेज किया, हम तो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में इंगेजमेंट होता है, डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होता है, माई योर हाईवे नहीं होता है, और हमारा विश्वास है डायलॉग में, हमारा विश्वास है डिस्कशन में, हम बात करेंगे और बात करके उनको सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारे लोग को माने। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। मेरे 90% दर्शक ये मानते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स अपनी मनमानी करते हैं। सॉरी आशुतोष, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।